सो भाई लोगों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वाली रील के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि ये वाली रील जो है इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर आपको भी ऐसी रील एडिट करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए फटाफट से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों की ऐसी वाली रील एडिट करना सिखाते हैं। तो इस रील को एडिट करने के लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तीन एप्लीकेशन की। पहला है VN एंड दूसरा है PicShart जो कि आपको फोटो एडिट करना है, और तीसरी जो है वो है BG Remo की वेबसाइट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली ऐसे वाली पोज में आप लोगों को जो है अपना फोटो क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले आपको उसका PNG बना लेना है। ठीक है, PNG बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर एंड सर्च करना है BG रिमूवर। BG रिमूवर वाली वेबसाइट पाने के बाद अपने फोटो को उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ से आपका जो इमेज है उसकी PNG बनके रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो PNG रेडी बनके सेव हो चुकी है हमारी। अब आप लोग को क्या करना है, आपको करना है अपना PicShart एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना ये वाला जो इमेज है ये डिस्क्रिप्शन में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जो भी नीड्स है ये वाली रील्स भी आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने फोटोज़ को एडिट कर लेना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। आप लोगों को ये वाला इमेज सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपकी जो आपने PNG बनाई थी उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है बैकग्राउंड के साथ, तो थोड़ी सी आपको एडिटिंग कर लेनी है। ठीक है, जिससे कि लगे कि हाँ यही वाला फोटो है। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा फोटो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब आप लोगों को एक और काम करना है यहाँ से, एंड आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये वाला बैकग्राउंड। ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा है, पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को जो अभी आपने अभी पिक को जो है सेव किया था उसको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को जाना इरेज वाले बटन पे, एंड यहाँ से आप लोगों को अपना फोटोज़ को कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना है। इससे होगा क्या कि आपको जो फोटो है सिर्फ इतना ही बन जाएगा और आपकी काफ़ी वीडियो पे मैच करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम करते हैं और हमारा जो ये फोटोज़ है ये भी रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है VN एप्लीकेशन के अंदर, एंड सिंपली आप लोग को क्या करना है, ये वाले जो रील को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो फोटोज़ था यहाँ पर आप उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप उसको बिल्कुल मैच कर लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये पैड वगैरह है, इस तरीके से आप पैड से मिला के जो है इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एक फ्रेम की का ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप इसको जूम आउट तरीके से कर सकते हो। तो फाइनली मैं आप लोगों को कट्स लगा के दिखा देता हूँ कि इसको आपको किस तरीके से करना है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने जो है काफ़ी सारे इसमें कीज़ एंटर कर दिए। आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो वीडियो है बिल्कुल अब जब बिल्कुल सेम इससे मैच हो गई है वीडियो से। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो रील्स है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस है इस वीडियो का। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। इस तरीके से करके आप अपनी रील्स को वायरल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।